बसमान रहीम वालेकुम वेलकम बैक करते हैं आज के न्यू व्लॉग में और आज का व्लॉग स्टार्ट होते ही आपको पता चल गया होगा कि मार्केट से स्टार्ट हुआ था तो मार्केट हम आए हुए थे कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान लेना था अपिया ने लेना था मैंने भी लेना था मैंने तो हर मस्कारा है सिर्फ लेना था साथ साइड बाई साइड चीज़ें जब ख़त्म होती है ना तो फिर मैं कहती हूँ साथ, साथ ही आ जाए तो बेहतर है तो यहाँ हम लोग आए थे कॉस्मेटिक्स का सामान लेने और उसके बाद जो कुछ हमने लिया वो सारा पिया के व्लॉग में आपको दिखेगा उसके बाद हमें जाना था जोरेस की शॉपिंग करने विंटर्स आ रहे हैं आपको पता है कि बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं और फिर साथ लेने होते हैं कि यार लेने हैं लेने हैं लेने हैं तो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे तो आज मौका मिल गया था तो उसकी शॉपिंग भी करनी थी और आप कैसे कर लीजिएगा इनमें से हमने कौन सा जो के लिए लिया वैसे तो उस रेस पर हर चीज़ ही माशाला से अच्छी लगती है तो फिर भी ज़ाहिर सी बात है माओ का तो दिल आखिर तक यही रहता है कि सबसे बेहतरीन चीज़ जो वो मेरे बच्चे को ही जाए तो यहाँ पर ज़रा से ये था कि टाइम काफ़ी सारा लगता है और मुझे ज़्यादा बच्चों की शॉपिंग देखने में और करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो बस यहाँ पे हम लोग उसको शूज़ ट्राई करा रहे थे कि शूज़ उसको पूरे आ जाएं और शूज़ उसको टाइट थे पूरे नहीं आ रहे थे और या ये चीज़ चलती रही है कि पहले आप शॉपिंग करो और फिर नेक्स्ट डे रिटर्न भी करके आओ क्योंकि अक्सर चीज़ें घर आके हम बच्चों को ट्राई कराते हैं तो इस वजह से फिर छोटी बड़ी हो जाती होती हैं तो बस इसलिए कोशिश करते हैं कद ईयर ये की जो होती है वो या तो कुछ मंथ्स की बड़ी ही आई क्योंकि फिर जरा सर्दी है ऊपर जैकेट वगैरह भी लेनी होती है जल्दी छोटे हो जाते हैं बच्चों के कपड़े और मैं यहाँ न्यू बॉन्ड्स की तरफ आई थी और मैं अभी भी न्यू बॉन्ड के चीज़ें वगैरह देख रही थी साथ में कहती देखती हूँ कि कोई क्या क्या वैरायटी में है वैसे तो वही बार बार चल रही होती है वैरायटी चेंज कुछ भी नहीं होता सिमिलर सारी चीज़ें आ रही होती हैं लेकिन यह कि अच्छा लगता है देखना बस मुझे अच्छा लगता है भाई देखो बच्चों की चीज़ों में क्या क्या आया है क्या नहीं ख़ासकर ज़्यादा लड़कियों का जब होता है तो लड़कियों की शॉपिंग में मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ आर्श की शॉपिंग होती है जिल की शॉपिंग होती है उसमें यह होता है कि पिन्हने भी साथ मैचिंग करो फिर साथ कैचर छोटे छुट छुट छोटे लो और काफ़ी पोनियाँ वगैरह मैचिंग करो तो वो ज़्यादा मज़ा आता है लड़कों की शॉपिंग में सिर्फ ये होता है पैंट शर्ट ली या फिर कुर्ता वगैरह ले लिया और या तो फिर जैकेट वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं उनका होता तो बस लड़कियों की शॉपिंग में ये चीज़ है कि काफ़ी वैरायटी है उसके बाद हम घर आए तो मम्मा ने बनाए थे मैक्रोनीज़ और ये दो तरह सेपरेट इस वजह से किए हैं क्योंकि कुछ मिक्स वेजेस नहीं खाते तो और कुछ एक वेज भी पड़ा हो तो वो नहीं खाते तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सेपरेट सेपरेट किया जैसा कि मेरे हस्बैंड नहीं खाते सेपरेट कर दिए थे और अपने लिए सेपरेट घर आने के बाद हम लोगों का प्लान बन गया था कि आओ चलते हैं कहीं बाहर कुछ पी के आते हैं कुछ खा के आते हैं तो बस हम लोग रेंडम से बस उठ के निकल गए जो जैसे भी थे बस निकलो चलो तो हम सब बाइक्स पे गए थे आगे जा अपिया और भाभी और मेरे साथ थी अर्श तो बस हम अर्श के साथ अर्श को आगे बिठा लिया था मैंने क्योंकि अर्श मेरे साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल फ़ील करती है और ख़ाला जाओ वहाँ अर्श का होना बहुत ज़रूरी होता है तो बस आज मेरे साथ थी फिर हम पहले हम लोगों ने देखा किधर जाएं किधर नहीं और जुरेज़ सब ज़्यादा खुश था इसे आजकल बाहर आना बहुत अच्छा लगता है तो बस हम लोगों ने फिर फाइनली जगह रही हम लोगों का इरादा था कॉफी पीने का काफी टाइम से हम लोग का इरादा बन रहा था कॉफ़ी पीनी है और कॉफी हम सबकी फेवरेट भी है तो बस हम लोगों ने खैर कॉफी पीनी थी लेकिन वो तो हमें हॉट हाँ, 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 कॉफ़ी तो नहीं मिली लेकिन हमें मिल गई थी कॉफ़ी शेक्स और आइसक्रीम शेक्स जो भी हम लोग को मिल गया था वो उस टाइम हम नीमत जाने हम तो ये कहते हैं कि जो मिले अल्लाह जी का उसी पे शुक्र अदा करें तो बस हम लोगों ने ये जगह देखी तो हमने कहा चलो इधर ही जाके बैठ जाते हैं और काफ़ी सारी अच्छी एम्बियंस थी इसकी बेकरी की काफ़ी सारा मतलब अच्छा वो था सबसे अच्छा था टेस्ट टेस्ट की जो मैं कहती हूँ वो हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड था, था बहुत अच्छा टेस्ट था तो ऐसा नहीं होता मैंने कहा था पता नहीं कैसा होगा टेस्ट अच्छा होगा नहीं होगा लेकिन सब चीज़ें ही बहुत अच्छी थी तो अपना अपना मेन्यू कार्ड हम लोगों ने मंगवा लिया था मैं और मेरे हस्बैंड सेपरेट टेबल पे बैठे थे और बाकी जो फैमिली वाले हैं वो सारे सेपरेट टेबल पे बैठे थे तो हम लोगों ने सबसे पहले पानी पिया तो पानी वगैरह पीने के बाद यहाँ मैं साथ साथ इन पे भी फोकस करती ये क्या करें बच्चे बच्चा पार्टी साथ तो फिर बड़ा फोकस करना पड़ता है कि क्या करें क्या नहीं क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी चीज़ तबाह होने की तैयारी में होती है तो इसलिए हम लोग कहते थे कि यार इन पर ध्यान रखें और ये बनाया था पिया ने मेरे लिए क्लिप पूरा तो उसके व्लाग में आपको सारा कुछ साथ साथ मिलेगा और बड़ा डिटेलिंग से मिलेगा तो मैंने थोड़ा बहुत क्लिप जो है वो इसमें भी ऐड कर दिया ताकि आपको पता चल जाए और मैंने मंगवाया था अपने लिए आ, कोकोनट शेक और बाकियों ने मंगवाया था किट कैट और किसी ने कैरीमाल जो भी उनकी अपनी अपनी चॉइस थी और बच्चों के लिए हमने मंगवाई थी आइसक्रीम और हमने कही लास्ट टाइम इनको आइसक्रीम खिलवानी है आगे से जो है विंटर्स है सर्दियाँ हैं तो आइसक्रीम तो बिल्कुल भी इनको नहीं खिलानी बीमार हो जाते हैं कोई ना कोई बीमार चल रहा है इस टाइम भी लेकिन वो क्या करें बच्चों की ज़िद है वो तो आइसक्रीम खाएँगे ही खाएँगे तो बस इस वजह से फिर हम लोग बच्चों की फिर उस पर ज़िद पर पूरे हो जाते हैं कि यार नहीं बच्चे हैं कह रहे हैं तो दिल खा रहा तो अब आए तो अपनी मर्जी की चीज़ खाएँ और इन लोगों ने मंगवाई थी सात पेस्ट्री एक थी लोटस और एक का मुझे सही आइडिया नहीं कौन सी थी लेकिन इन लोगों ने ये मंगवाया था तो मैंने इनकी टेबल पर जाके काफ़ी सारे क्लिप वगैरह बनाया और हम लोगों ने एक मंगवाई थी डील जिसमें हमने बर्गर मंगवाया था फ्रेंच फ्राइज़ थे और ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था उनका दिल था वैसे तो मैं बिल्कुल घर से मैक्रोनिकस खा के गई थी फुल थी तो मुझे वैसे भी मैक्रोनिकस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो फिर मैं जब मैक्रोनिकस का बनता है या फिर स्पैगेटी बनते हैं तो फिर मैं पेट भर के खाती हूँ फिर मैं इन्नी डाइट साइड को सारा साइड पर रख देती हूँ वैसे भी आजकल मेरी डाइट वैसी तो हो नहीं रही कोशिश मैं करती हूँ कि हो जाए लेकिन बिल्कुल आजकल मैं डाइट से सैटी हुई हूँ और फिर उसके बाद वापसी में मैंने कहा चलो फ्रूट्स लेते जाते हैं तो यहाँ से इजीली मम्मा के घर के पास से मिल जाता है अच्छा फ्रूट तो मैंने कहा यहीं से लेके जाती हूँ घर तो आई हूँ तो एक ही चक्कर में सारा काम करके जाऊँ तो बस यहाँ मैंने अपना फ्रूट वग़ैरह डलवाया और अप, अपनी निगरानी में फ्रूट में इसलिए डलवाती हूँ फिर अक्सर दागी लड़के हैं ना वो लापरवाही कर जाते हैं तो मैंने अपनी निगरानी में फिर सारा फ्रूट वग़ैरह डलवाया और बस ये व्लॉग करते हैं यहीं करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ आई होप आपको व्लॉग पसंद आया व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा थैंक्स फॉर वॉचिंग